सो गाइस कबड्डी ने आज तक कई सारे प्लेयर्स को मौका दिया अपना जलवा दिखाने का, लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी थे जिन्हें पहले कुछ सीजन में मौका नहीं मिला गया क्योंकि उन्हें सब्स्टिट्यूशन में रखा गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने मैट पे आग लगा दी थी। उन्हीं प्लेयर्स में से एक है फजल अतराचली। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले फजल अतराचली के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने डिफेंडिंग स्किल्स से सबको बता दिया कि वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं बल्कि एक स्टार प्लेयर है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। कबड्डी का जादू सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी छाया है। ईरान, कोरिया और बांग्लादेश जैसे कई सारे देशों ने कबड्डी वर्ल्ड को बहुत सारे सितारे दिए। उन्हीं सितारों में से एक है ईरान के स्टार डिफेंडर फजल अतराचली। फजल अतराचली स्पीड और पेशेंस का परफेक्ट बैलेंस है। फजल अतराचली की कहानी बाकी प्लेयर्स से हटके है। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि पीकेएल से पहले कबड्डी प्लेयर्स को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। उस वक्त फजल अतराचली भी कोई बड़ा नाम नहीं था। फजल उस समय ईरान कबड्डी टीम का कैप्टन हुआ करता था, लेकिन असली कहानी शुरू हुई जब पीकेएल सीजन 1 स्टार्ट हुआ। फजल अतराचली ने डेब्यू किया था सीजन 1 में यू मुंबा के साथ, लेकिन उस वक्त यू मुंबा में सुरेंद्र नाडा भी थे, इसलिए फजल को सीजन 1 में बिल्कुल भी चांस नहीं मिला। सेम कहानी रही सीजन 2 में, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया सीजन 3 में। लीग के दौरान एक मैच के वक्त सुरेंद्र नाडा को एशियन गेम्स खेलने जाना था और ऐसे में यू मुंबा के सब्स्टिट्यूट्स को मौका मिला अपना जलवा दिखाने का। फजल अतराचली ने मैट पे आते ही आग लगा दी। कुछ ही मैचेस में उसने अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ी कि सब रेडर्स उसके पास जाने से डरने लगे और फजल ने सबके सामने साबित कर दिया कि वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं बल्कि एक स्टार प्लेयर है। फिर आता है प्रो कबड्डी सीजन 4, लेकिन सीजन 4 से पहले एक ऑक्शन हुआ था। इस ऑक्शन में फजल अतराचली को लिया पटना पायरेट्स ने, जो कि एक तरह से काफी अच्छा हुआ क्योंकि सुरेंद्र नाडा और फजल अतराचली दोनों ही काफी तगड़े लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर्स हैं। दोनों का एक ही टीम में होना मतलब एक को सब्स्टिट्यूट में बैठना पड़ेगा, इसलिए ये काफी अच्छा हुआ कि दोनों अलग अलग टीम में आ गए। सीजन 4 में फजल अतराचली ने एंकल होल्ड, ब्लॉक, डाइव और भी कई सारे डिफेंडिंग स्किल्स दिखाए। अपने इन्हीं स्किल्स की वजह से वो सीजन 4 का बेस्ट डिफेंडर भी बना। पटना को सीजन 4 में जीत दिलाने में फजल अतराचली का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद आता है सीजन 5 का ऑक्शन, लेकिन सीजन 5 में चार नई टीमें आ रही थी और इन चार नई टीम के पास पावर थी कि वो ऑक्शन में अवेलेबल प्लेयर्स में से किसी भी एक प्लेयर को प्रायोरिटी पिक के तौर पर डायरेक्टली अपनी टीम में ले सकती है। गुजरात फॉर्चून जायंट्स की टीम ने फजल अतराचली को प्रायोरिटी पिक के जरिए अपनी टीम में ले लिया। गुजरात का डिफेंस उस वक्त काफी स्ट्रांग हुआ करता था क्योंकि फजल अतराचली के साथ कॉर्नर टू कॉर्नर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ईरान के ही एक और स्टार प्लेयर अबुजार मेगानी थे। गुजरात फॉर्चून जायंट्स को फाइनल्स में पहुंचाने में फजल अतराचली का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल्स जीत नहीं पाए। कितनी कमाल की बात है कि फजल अतराचली जिस भी टीम में हो वो टीम फाइनल में हमेशा पहुंचती है। पहले 3 सीजन में फजल अतराचली यू मुंबा में थे, तो पहले तीनों सीजन तक यू मुंबा फाइनल में पहुंची। सीजन 4 में फजल अतराचली गए पटना पायरेट्स में, उस सीजन में भी पटना पायरेट्स फाइनल पहुंची। और सीजन 5 में फजल अतराचली गए गुजरात फॉर्चून जायंट्स में, तो सीजन 5 में गुजरात फॉर्चून जायंट्स फाइनल में पहुंची। अब आ रहा है सीजन 6, और सीजन 6 में यू मुंबा ने फजल अतराचली को वापस अपनी टीम में ले लिया है। अब देखिए कहानी में कितना बड़ा मोड़ आया, जहां पर कहानी के अपने हीरो फजल अतराचली को सीजन 1 में स्टार्टिंग 7 में भी जगह नहीं मिली थी, आज वही प्लेयर सबसे महंगा फॉरेन प्लेयर बन गया है और साथ ही में उसी यू मुंबा का सिर्फ टॉप डिफेंडर ही नहीं बल्कि कैप्टन भी बन गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी कई सारे ऐसे कबड्डी प्लेयर्स हैं जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला है, यानी फ्यूचर में हमें और भी कई सारे तगड़े प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं। फजल अतराचली ने अपने प्रो कबड्डी लीग करियर में टोटल 249 टैकल किए हैं, जिनमें से उनके नाम 166 टैकल पॉइंट्स है, और इन 166 टैकल पॉइंट्स में 12 सुपर टैकल्स और 12 हाई फाइव भी शामिल है। तो गाइज ये थी छोटी सी वीडियो फजल अतराचली के ऊपर। ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप लोग मुझे जरूर बताना कि फजल अतराचली को आप 5 में से कितने स्टार्स देंगे। हमारी पिछली वीडियो का सही जवाब दिया था टीम केटू ने, उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर आपको डांस वीडियोस में इंटरेस्ट है तो उनका चैनल चेकआउट करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलना और फजल अतराचली फैंस के साथ शेयर भी कर देना। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को भी दबाना ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।